थे यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरे दया हम पर, तू है प्रभु, सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी देव भाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी पर, तू है प्रभु। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमें प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थनाओं में सर्वोत्तम प्रार्थना है मिसा बलिदान। वह मिसा बलिदान में हम भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए हमारी जरूरतों के लिए हम प्रभु से मांगे ये मिसा बलिदान के द्वारा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करने से पहले हमारे अयोग्यता को कबूले, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे। ये वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो, ताकि पवित्र वचन गिर सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, संत योहान का तीसरा पत्र, पंचसख्याय 5-8 तक। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं,
जो कुछ कर रहे हैं यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम का साक्ष्य दिया। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो तो अच्छा काम करोगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सतमार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष। अलेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन का ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहते हैं? क्या वह ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि हम लोगों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए,
कभी हिम्मत नहीं हारनी है। यह समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत यीशु ने सुनाया और यह दृष्टांत में एक ऐसा न्याय करता है जो ईश्वर से नहीं डरता और वह किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति के पास एक विधवा जिनका कोई है नहीं, वह विधवा बार बार जाती है और इसी प्रकार उनको परेशान करती है, तंग करती है, बाध्य करती है, बार बार उनके दरवाजे पर खटखटाती रहती है। ऐसे करने के कारण उन्हें जो न्याय मिलना था, ये न्यायाधीश ने प्रदान किया। ये विधवा तंग करने के कारण, और हम लोगों को भी इसी प्रकार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। सुसमाचार में हम देखते हैं शिष्यगणों ने प्रभु ईसा मसीह को सबसे ज़्यादा समय प्रार्थना करते हुए पाया। प्रभु ईसा मसीह ने नित्य प्रार्थना की, पिता ईश्वर से अनुनय विनय की। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 5:7, जब तक यीशु मसीह अपना शरीर में था तब तक यीशु ने दिन रात आंसू बहाते हुए ऊंची आवाज में रो रो कर पिता ईश्वर से प्रार्थना की। तो हम लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए, और ये प्रार्थना कुछ संसारिक वस्तु पाने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, पाप बंधनों से मुक्त होकर एक आज़ादी का जीवन, स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आपको एक मोबाइल पाने के लिए प्रार्थना करने से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, एक पवित्र जीवन, तो ज़रूर आज या कल प्रभु आपको प्रदान करते रहेंगे। क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सभी ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताएं। संत पौलुस भी हम लोगों से यही कहते हैं, हम लोगों को नित्य प्रार्थना करनी है। रोमियों के नाम पौलुस का पत्र दे 12:12 में वचन कहता है, हमें प्रार्थना में प्रयत्न करनी है, persevere in prayer, निरंतर प्रयत्न करते हुए प्रार्थना करनी है। और फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4:2 में कहते हैं, डिवोट योर सेल्फ टू प्रेयर, कि प्रार्थना के मोड में अपने को लाना है, कि हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। तेसलोनी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5:17 में कहते हैं, निरंतर हम लोगों को प्रार्थना करनी है। और हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के चले जाने के बाद प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहना। और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24:53 और प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 ये दोनों में हम पढ़ते हैं कि शिष्यगण और प्रेरितगण और अन्य शिष्यगण सब निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु ईसा मसीह के चले जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद लगातार 10 दिन वे नित्य प्रार्थना में लगे रहे। तत्पश्चात उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ
और आगे संत पेत्रोस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद भी यही कहते हैं कि हमारी बुलाहट है कि हमें प्रार्थना करनी है और वचन की घोषणा करना है। ये हम देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 6 वाक्य 4 में कि हम प्रार्थना करना ना छोड़े और वचन सुनाना ना छोड़े, ये हमारा कर्तव्य है। प्यारे विश्वासियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में ये आदत है, नित्य प्रार्थना करने की आदत? अगर नहीं है तो हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर प्रार्थना के लिए रुचि होगी और हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कैसे प्रार्थना करनी है यह हमें सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 26 में यह वचन हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अस्पष्ट आहों को प्रार्थना के रूप में परिणित करता है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं और याकूबी का कहते हैं नित्य प्रार्थना पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए। एफेसी के नाम पत्र अध्याय 18 में आत्मा में प्रार्थना करना, प्रे इन द होली स्पिरिट। आइए हमारे जीवन में आध्यात्मिक धन संपत्ति होने के लिए हम प्रार्थना की शरण ले। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए आते हैं दिल हम समा करे, के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। ये परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया।
इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूत सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब बिसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुदीले तथा इससे प्रेम सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को
अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनी के साथ और इनी में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें कृपा दे ताकि हम निरंतर प्रार्थना कर पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्व से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं, आमीन। शिष्यों ने यीशु को
रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है, हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले नित्य प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम मेरी माँ, जग की माँ मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम मरियम मेरी माँ, जग की माँ मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम ईश जननी, सुखी जोली तूने भरी। माँ मरियम ईश जननी, सुनी जो तूने दुखी सुखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से ललती। दुखी सुखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से ललती। माँ मरियम ईश जननी, सुनी जोली तूने भरी। माँ मरियम ईश जननी।